हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए कितना बढ़िया, डिलीशियस और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। जो भी इस नाश्ते को खाएगा वो इस नाश्ते को दोबारा ज़रूर बनाने को कहेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बढ़िया से नाश्ते को बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप से एक कप गेहूं का आटा लिया है। ये रेगुलर वाला गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी या पूरी पराठे बनाते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हम मोयन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मोयन डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही खस्ता बनेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जो मोयन हमने डाला है वो आटे में परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें सख्त आटा चाहिए। जैसा आटा हम पूड़ी के लिए तैयार करते हैं हमें वैसा ही आटा चाहिए। आज मैं एक नए तरह का नाश्ता बना रही हूँ जिसकी सारी सामग्री आपको घर पर ही मिल जाएगी और खाने में नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। इस नाश्ते को आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जब भी आप इस नाश्ते को बनाकर खिलाएंगे ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। इस नाश्ते के आगे कचौरी समोसे भी फेल हो जाएंगे। देखिए मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है। पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच राई डालेंगे। राई को अच्छे से तड़कने दें। आप देख सकते हैं राई अच्छे से तड़कने लगी है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच सौंफ डाल देंगे। 1/2 चम्मच खड़ा हरा धनिया डालेंगे। इन्हें भी हम चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च भी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन को ग्रेट करके डाल देंगे। अगर आप अदरक लहसुन को टुकड़े करके डालना चाहते तो उस तरह से भी डाल सकते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। चलाते हुए इसे भी पका लेंगे। अदरक लहसुन भी हल्के से पक गए हैं। अब इसमें हम 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक हम इसे भून लेंगे। अगर आप प्याज पसंद नहीं करते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। प्याज को भी चलाते हुए मैंने हल्का गुलाबी होने तक पका लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप इस नाश्ते को और भी स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। चलाते हुए मसालों को सेक लेंगे ताकि इनका कच्चापन चला जाए। मसालों को मैंने 1 मिनट तक चलाते हुए पका लिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। इन्हें मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था और छिलका उतार कर इस तरह से मैश कर लिया है। अब आलू को हम मसाले में डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू के जो भी बड़े टुकड़े हैं उन्हें इस तरह से पलटे की सहायता से फोड़ दें। नए नए नाश्ते की और बहुत ही आसान नाश्ते की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आलू और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इन्हें मैंने 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पका लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगह पे चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नींबू के रस को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे।
धनिया पत्ती को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। हमने जो डो तैयार किया था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे एक बार फिर से मसलते हुए तैयार कर लेंगे। अब डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। देखिए मैंने इतना आटा लिया है। अब इसकी लोई बना लेंगे। इस तरह से मैंने आटे की लोई बना ली है। लोई को बेलने के लिए मैंने तेल लगाया है, आप चाहे तो सूखा आटा भी लगा सकते हैं। अब इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसे हमें पतला बेलना है। देखिए मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस बताती हूँ, मैंने इतना पतला बेला है। अब इसे हम कट करेंगे। इसके चारों किनारियों को हम कट कर देंगे और इसे स्क्वायर शेप में तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसकी चारों पट्टियों को कट कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा आटा है हम इसे फिर से डो में मिला लेंगे। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की है उसे हम रोटी पर फिल करेंगे। स्टफिंग को हम ट्रायंगल शेप में जमा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे जमा लिया है। अब हम सभी किनारियों पर पानी लगा देंगे। किनारी पर पानी लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा नाश्ता तेल में फ्राई करने पर खुल जाएगा और स्टफिंग सारी तेल में बिखर जाएगी। अब एक पार्ट को हम उठाएंगे और स्टफिंग के ऊपर फोल्ड कर देंगे और हल्के से दबाते हुए सभी किनारी को हम बंद कर देंगे। किनारी को अच्छे से ही बंद करें। अब मैंने एक फोक लिया है। फोक की सहायता से हम हमारे नाश्ते पर बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बना लेंगे। इस तरह से हमें हल्के हल्के प्रेशर देखते हुए डिज़ाइन तैयार कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। कढ़ाई में मैंने पहले से ही स्लो फ्लेम पर तेल गर्म होने रख दिया था। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक नाश्ते को उठा के डाल देंगे। जितने पीस कढ़ाई में आएंगे हम उतने ही डालेंगे, ज़्यादा पीस नहीं डालेंगे। अब इन्हें हम स्लो फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। अब धीरे से हम इन्हें पलटा देंगे। आप देख सकते हैं नाश्ता गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैंने इन्हें पलटा पलटा कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इस नाश्ते को हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से इन्हें निकालना है आपको। अब इस नाश्ते को हम किसी भी टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पर निकाल कर रख लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया डिलीशियस और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। जो भी इस नाश्ते को खाएगा वो इस नाश्ते को दोबारा ज़रूर बनाने को कहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।